हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिर्फ दो मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एज ए टी टाइम स्नैक या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए। चलिए देर किस बात की, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले हम लेंगे बारीक वाली रवा। यदि आपके घर में बारीक वाली रवा नहीं है, मोटी वाली रवा है, तो इसे ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। फिर उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लीजिए। इस नाश्ते को सबसे टेस्टी बनाने के लिए आलू और सूजी का ही यूज मेन है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में डालते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकती हैं। इसमें तड़के में जीरा डालें। जीरा डालने के बाद 1/2 लीटर के लगभग आप पानी डाल दीजिए और फिर ऐड कीजिए इसमें रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। जितनी भी सूजी इसमें यूज़ कर रहे हैं उससे डबल इसमें पानी ऐड कीजिए। कहने का मतलब, यदि आपका 250 ग्राम सूजी या रवा है तो उसमें आप 1/2 लीटर के लगभग पानी ऐड कीजिए। अब जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी ऐड कीजिए। यदि आप इसमें रवा इकट्ठे डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए और एक हाथ से चलाते रहिए। इसमें ऐड कीजिए आप 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू, वो भी कद्दूकस किया हुआ जो मैंने रखा था। अब इसे अच्छे से कर दीजिए मिक्स। कलर के लिए इसमें हल्दी आप यूज़ कर सकते हैं। कलर अगर नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ध्यान देने वाली बात, यदि आपके सूजी या आलू में थोड़ा सा भी लम्स रहेगा तो ये आपके जो बॉल्स बनेंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आप इसे एक डो की तरह तैयार कीजिए। टेन मिनट्स के बाद मैं दिखा रही हूँ, ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कीजिए और अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाने के बाद इसे आटे की तरह कम से कम 5 मिनट तक गूंथ लीजिए, जब तक ये चिकना डो की तरह तैयार न हो जाए। पूरी तरीके से रेडी है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स आप रेडी कर लीजिए। आप किसी भी शेप में इसे बना सकती हैं, जैसे एक गोल शेप में, एक पूड़ी की शेप में, छोटी छोटी जो पूड़ी होती है ऐसे चौका और बेलन की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से बेल लीजिए और किसी भी कटोरी या ग्लास की हेल्प से इसे गोल शेप देते जाइए। ध्यान देने वाली बात ये कि अगर ये पूड़ियाँ आपकी पतली बनी तो ये तेल में फूटने लगता है, ये थोड़ी मोटी पूड़ियाँ बनेंगी। मैं एक बेल के दिखा रही हूँ और आपको कट करके भी दिखाऊँगी। आप चौका और बेलन में दोनों में तेल लगाइएगा, नहीं तो ये चिपकने लगता है। चलिए तो ये रेडी हो चुके हैं, कुछ बॉल्स के शेप में, कुछ पूरियों के शेप में। अब चलते हैं डायरेक्ट कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। अब इन पूरियों को डालते जाइए। गैस हाई फ्लेम पे रखते हुए फिर मीडियम फ्लेम कर दीजिए और इनको अच्छी तरीके से छान लीजिए। इसके बाद बॉल्स को भी छान लीजिए। ये नाश्ता बच्चे और बड़ों दोनों को पसंद आता है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना था ये नाश्ता। तेल बिल्कुल भी एडसर्व नहीं करता है और इसे आप किसी भी चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकती हैं। सेम कढ़ाई में सूजी बॉल्स को भी डीप फ्राई कर लीजिए। इस नाश्ते को बनाने में मात्र 10 मिनट का टाइम लगता है और बिना मेहनत के रेडी हो जाता है, तो आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इस नाश्ते को खाने में पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस ताकि नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुँचे। नाश्ता गर्मा गर्म ही बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप डीप फ्राई करने के बाद इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें और किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जो मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर फैमिली है और जो फैमिली जुड़ रही है उनको प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.